एक नई फिल्म का शुरुआत आज हुआ है, बड़ा यूनिक नाम है, ये भोजपुरी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ टाइटल है और आज रक्षाबंधन का पर्व है। बहुत खुशी की बात है कि आज ये जो नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं, हम लोग ये रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हुई है, ये तो अपने आप में ही यूनिक है। और राजा डोली लेके आ जाए, ये जो टाइटल था ये बहुत दिन से मेरा मन था इसको बनाने का, और मैंने ये टाइटल खुद ही रजिस्टर्ड कराया हुआ था, लेकिन लोकेश भैया जब हमको मिले और उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए हम बनाएंगे, और सुजीत भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा हाँ तो फिर आप ले ही लीजिए, बहुत अच्छी कहानी थी इनकी। तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और अब जो है हम लोग आ गए हैं महादेव की धरती पे काशी में, और इसकी शुरुआत आज से हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना करके और अपने दर्शकों के बीच लेके जाएंगे। ये बहुत ही शानदार, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि टाइटल ही पारिवारिक है, तो वैसे ही इसमें दो फौजी रिटायर्ड हैं दादाजी लोग, जो हमारे ब्रजेश त्रिपाठी जी और एक संतोष पहलवान जी, और फौज से ही इनकी दोस्ती रहती है। और ये मैंने अपने घर में भी देखा है कि जो फौजी लोग होते हैं वो फौज से घर पे आने के बाद भी रिश्ता निभाते हैं, ये मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। तो वैसे ही ये दोनों लोग रिश्ता अपना निभाते हैं, और एक फौजी के बेटी की शादी होने वाली है और उसमें दूसरा फौजी अपने बेटे को लेके पहुंचा है, और वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि जब ये हीरो और उसके दादाजी किस तरह से उसको पूरी तरह संभालते हैं, और फिर एक नया ताना बाना जुड़ता है, फिर आगे जो होगा वो आप सिनेमा में देखेंगे। सिनेमा के पहले पर्दे से लेकर आम पब्लिक के बीच में एक हिट जोड़ी जो आपके और पांडे जी ने एक बार फिर से दर्शकों का इंटरटेन करने वाले आए हैं। जी बिल्कुल, और चार पांच फिल्में अभी हम लोग साथ में नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में जो फिल्में और लोगों के साथ में तय थी वो हम लोगों ने किया, जैसे मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था, उनकी भी कई फिल्में थी खेसारी जी के साथ में, चिंटू जी के साथ में, वो उन्होंने कंप्लीट किया, और फिर सुजीत भैया ने इस फिल्म में हम लोगों को साथ लेके बनाना चाहा, तो फिर हम लोग साथ में आ रहे हैं। एक और एक्ट्रेस आपके साथ है सुकी राव जी, इस पहले आस्की में आई थी जी, क्या कहना चाहिए और इस पहले आपकी फिल्म साथ में कर चुके जी। और श्रुति राव जी जो हैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा अभिनय है इनका, और इस फिल्म में जो रोल है वो आपने अगर राजा बाबू देखा है तो जिस तरह से उसमें दो हीरोइन रहती हैं और बीच में हीरो रहता है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये, तो बहुत ही शानदार इनको मिला है किरदार, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये अपने किरदार को निभाएंगी तो इस फिल्म से श्रुति जी भी और आम्रपाली जी भी और मैं भी दर्शकों का दिल एक बार फिर से जीतेंगे। बात कीजिए फिल्म डायरेक्टर सुजीत कुमार जी की, पवन सिंह जी को लेकर कई हिट फिल्में दी हैं, अब आपके साथ जोड़ी जोड़ी दूसरी फिल्म इसके पहले भी आदमी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं सुजीत भैया, इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, इसके पहले मैं अभी आर्मी इनके साथ ही कर रहा था शाहजहानपुर में, और अब यहाँ पे ये फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से, तो मुझे लगता है कि बड़े ही विनम्र हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और अपना काम जानते हैं, और डायरेक्शन में भले ये पहली बार मेरे साथ आए हैं, मेरा और इनका साथ बहुत पुराना है, मुझे लगता है लागल रहा राजा जी जब बनी थी तब से ले करके खून पसीना, चाहे वो बहुत सारी फिल्में में मेरे साथ रहे ये मुख्य सहायक के रूप में, तो अभी ये शानदार फिल्में आपने बताया ही, पवन जी के साथ में इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ भी एक हिट फिल्म देंगे। लोकेश जी की बात कीजिए, उनको हम पहली फिल्म है और बड़ी फिल्म क्रिक फाइटर का पूरा मेकिंग इनके हाथ में था लोकेश जी का। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लोकेश भैया जैसे निर्माता भोजपुरी सिनेमा में हैं, जो जब थिएटर्स बंद हो गए उसके बाद जो निर्माता लोग हैं
उनका हाल ये है कि वो सिनेमा को छोटा करने लगे, पर लोकेश भैया जैसे लोग हैं जो उसको और बड़ा कर रहे हैं, वो छोटा नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तो आवश्यकता है। पितामह भी हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे गुरु भी हैं, इसलिए कि जब पहली बार मैं फिल्म कर रहा था और कुछ अभिनय करना था और मैं इनके सामने ही कर रहा था, तो मैं गायकी से आया था, मुझे नहीं जानकारी थी उसकी बारीकियां, मैं नहीं जानता था, तो सर ने कहा कि एक मिनट कट करो, कैमरा कट किया और मुझे इन्होंने बताया कि बेटा ये जो चीज़ है ऐसे करो, तो मैंने बोला ठीक है चाचा, फिर मैं वैसे किया और अच्छा हुआ। तो यही लोग सिखाए हैं एक एक चीज़, हम तो गायकी करते थे, गायकी से मौका मिला हीरो बनने का, हीरो बनने आ गए, पर कुछ हम सीख के नहीं आए थे, यही लोग सिखाए हैं जो भी आज हम लोग करते हैं। वो सीखने की बात हो जाए, जहाँ गुरु की बात होती है, बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी आपके भाई भी हैं और साथ में आज हैं। बिल्कुल, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में भैया हैं, क्योंकि बचपन से ही मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने डाउन टू अर्थ क्यों हैं, आप बड़े स्टार हैं फिर भी एकदम ज़मीन पे कैसे हैं? तो मैंने कहा स्टारडम मैं देख के आया हूँ अपने घर में, मेरे भैया इतने बड़े स्टार हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था इनके साथ, तब तो मोबाइल नहीं था, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, इनको छूने के लिए, ऐसे पब्लिक पागल भागती थी इनके पीछे पीछे, मैं देखता था तो मैं सोचता था मैं अपने भैया की तरह बनूंगा। तो मेरे आदर्श भी हैं, मेरे भैया भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो इनका ही आशीर्वाद है कि आज यहाँ तक पहुँचा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई और बहुत अच्छा, आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, हमेशा दिया, हम लोग आए तो हम लोगों ने भी प्रयत्न किया कि इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रुक जाए तो वो मर जाती है, समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको और बदला जाए और बदला जाए, और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक प्रयास करते रहेंगे कि भोजपुरी सिनेमा को और बेहतर बनाया जाए। बस दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद प्यार से ही फिल्में सफल होती है, आपका जब तक साथ है, आशीर्वाद है, हम आपके लिए ऐसे ही लगातार अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे।